पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व राज्यसभा सांसद ने मुरादाबाद महानगर के लिए कंपनी बाग में एक सेल्फी पॉइंट का शिलान्यास किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि रूबीला नेगी रही। अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान, नगरायक संजय चौहान रहे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने इस सेल्फी पॉइंट को मुरादाबाद महानगर के लिए यादगार जगह बनाने के लिए विशिष्ट अतिथि रूबीला नेगी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जितना जो एक एमपी को फंड आता है उसको हमने अलग अलग इलाकों में खर्च किया। विकास तो आपको करते रहना है, विकास का काम जो है बराबर चलता रहता है और इसलिए मैंने बराबर कोशिश की, विकास के काम के लिए आगे आए। उस समय डिसाइड किया था उसे आज हम करेंगे। सेल्फी पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं हैशटैग एक मूवमेंट है। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि मैम हमने आई लव मुंबई देखा है जो हमने बनाया है, आई लव कश्मीर, आई लव दिस, आई लव दैट, अलग अलग स्टेट्स का नाम है जो आई लव है, लेकिन आप हैशटैग बनाने में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं? तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ये जो हैशटैग मुरादाबाद, हैशटैग कश्मीर, हैशटैग मुंबई, हैशटैग इंडिया, ये जो हमने हैशटैग्स बनाए हैं, ये केवल एक आर्ट पीस नहीं है। जब आप एक सेल्फी पॉइंट पे जाते हैं और आपके पीछे जो आर्टवर्क लगा हुआ है उसका सेल्फी लेते हैं और उसमें अगर आपको अपने शहर के नाम को पढ़ने को मिले और वही आप जब सोशल मीडिया पे डालते हैं और हजारों करोड़ों लोग तक वो पहुंचता है, तो आपका शहर का नाम कहीं ना कहीं देश भर में नहीं विश्व भर में लोग उसे देख सकते हैं। तो ये मूवमेंट हमने मुंबई से शुरू किया था और आज देश के बहुत सारे स्टेट्स में, शहरों में, गाँव में हमने हैशटैग इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल किया है। हमारा मेन फोकस रहता है हर काम जिस भी हम शहर से जुड़े, हम आर्ट के माध्यम से जुड़े। हमारी फाउंडेशन है रूबीला नेगी आर्ट फाउंडेशन जो आज देश भर में काम कर रही है। ओवर 2 मिलियन किड्स को हम स्कूल लेके जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करते हैं। 8.5 लाख महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, देश भर में काम करती हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम महिलाओं को सक्षम करने की बात करते हैं तो हम कैसे उनको सक्षम करते हैं? क्या हम केवल मंच पे खड़े होके बात करके उनको सक्षम करते हैं या उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं और कर सकते हैं जिससे वो सक्षम हो? जब तक हमारी महिलाओं के, हमारे युवाओं के बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं होंगे, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो हमारी फाउंडेशन बहुत क्लोजली स्किल सेंटर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम करती है। फरवरी से 10 फरवरी के बीच में इसका इंस्टॉलेशन होगा। रुबल जी ने जो हमें बताया है कि इसमें जो समय लगता है बनाने में, चूँकि 2 दिन पहले इसका फैसला हुआ है तो समय लगता है, 27-28 दिन लग जाते हैं। हमारे यहाँ से, ज़िला से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इसी ज़िले से आते हैं, तो उनको हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है कि उनको चीफ गेस्ट बना के जिस दिन भी उनका समय मिलेगा, 6 से 10 फरवरी के बीच में, उस दिन यहाँ इसका इंस्टॉलेशन होगा। जिस दिन इंस्टॉलेशन होगा उसके बाद आप देखिएगा कि ये सेल्फी पॉइंट पूरे देश में, मुरादाबाद वैसे ही पीतल नगरी के लिए मशहूर है, यहाँ के खाने और जायके के लिए मशहूर है, लेकिन इस सेल्फी पॉइंट के लिए भी मशहूर होगा। यहाँ की जनता जब भी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सेल्फी अपनी लेगी, तो खुद को भी वो फेमस करेगी और अपने शहर को भी फेमस करेगी। सब इस शहर से प्यार करते हैं, जो भी 2 बातें प्यार में लिखेंगे वो उनके प्यार का प्रतीक इस शहर के लिए होगा और ये दुनिया तक उनका मैसेज पहुँचेगा और इस शहर को उसका फ़ायदा होगा। जब भी विकास का काम होता है तो ऐसी चीज़ें जो है बड़ी लाभदायक होती है, इसलिए कि ये अगर एक बार लग जाता है तो लोगों के बारे लोग इसके बाद जो है विकास के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं और इसके विकास की गाड़ी जो है यहीं से शुरू होती है। इसलिए हमने सोचा इस सेल्फी पॉइंट, चूँकि रूबल जी ने बहुत सारी जगह लगाया है, हमारे बीजेपी रूल्ड स्टेट में कई जगह लगाया है और उसका काफ़ी अच्छा असर रहा है, तो हमने सोचा रूबल जी से आग्रह किया कि एक यहाँ पर उनकी तरफ से भी इस शहर के लिए कहीं ना कहीं उनका भी तोहफा जो है शहर को मिल जाए। इन्होंने इस तोहफा को देने का जो है निश्चय किया है और मुझे लगता है कि अगले 20-25 दिनों में हम इसको लगा देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।